सब तो पहला जी फतेह की सांझ पाने वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज की जिहड़ी पत्रकार मिलनी है यह पंजाब दे बड़े अहम मुद्दों नू लेके आ कि नवी पंजाब दे विच सरकार बनी आ ते जिहड़े लंबे समय तो पंजाब दे मुद्दे ने जिहड़े लमकदे आ रहे ने लंबे समय तो इत्थे जिहड़ियां समय समय दे सरकारां रहियां ने उन्होंने इन्हां मुद्दों वल कदे ध्यान नहीं दिता जां जानबुझ के अखों परोखे कीता जिदे विच पंजाब दे ते पंजाबियां दे हक मारे गए लगातार। सो उन्हां मुद्दों नूं लै के असीं जिहड़ी अज इह गलबात करन जा रहे हां ते आम आदमी पार्टी दी सरकार जिन्हां दे मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान उन्हां नूं मुखातब हो रहे हां ते उन्हां अगे अपील कर रहे हां कि इह बड़े अहम मुद्दे ने ते इन्हां मुद्दों दे उत्ते सरकार नूं ध्यान देना चाहीदा ते कम करन दी लोड़ आ। देखो आपां सब तो पहली गल करते हैं कि सरकार ने एक ऐलान किया है कि असी 25,000 जिहड़ी नौकरी देण जा रहे हैं वख-वख खेत्रां वख-वख वर्गां दे विच। पर असी पंजाब दे मुख्यमंत्री नूं कहना चाहुंदे हां कि यह 25,000 जिहड़ियां तुसीं नौकरियां कढ़ियां ने जिहड़ियां असामियां कढ़ियां ने जिहड़ियां पोस्टां भरन जा रहे हो इन्हां नूं भरन तों पहलां एक गल दा ख्याल रखियो कि किते यह ना होवे कि 25,000 जिहड़ी नौकरी तुसीं कढ़ी है ये 25,000 दे विच्चों 15,000 नौकरी है जिहड़ी वह बाहरले सूबियां वाले लै जाण। जिवें कि आपां पहलां देखदे आए हां कि बिजली बोर्ड दे विच भर्तियां होईयां तां उहनां दे विच 500 बंदा भर्ती किया गया तां 500 दे विच्चों 172 बंदे बाहरले राज्यां तों आ गए। इसे तरह टीचरां दीआं भर्तियां होईयां 850 दे करीब उहदे विच्चों 282 बंदे बाहरले राज्यां तों आ गए। इस तों इलावा जे आपां खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी लुधियाणा की गल करिए 2012 तो लैके 18 तक तकरीबन मैं लगता कि 237 बंदे रखे गए है जिदे 113 बंदे बाहरले राज्यां तों आए है तो उन्होंने मतलब उदों उप कुलपति रहे ने बलदेव सिंह ढिल्लों जिन्हां ने उदू बाद बड़े विवादां च भी रहे जिन्हां ने खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी की जमीन बठिंडे एम्ज नूं देती सी तां जिहड़े लगातार जिहड़ा कई सालों तो लैके पंजाब दे हक्कां उत्ते खास करके पंजाबियों दे हक्कां उत्ते डाका बज रहा लगातार आपां देख रहे हैं कि सरकारी नौकरियां दे विच बाहरले राज्यां बाहरले सूबियां तो आए हुए जिहड़े लोग ने वह नौकरियां लै रहे आ ते साडी जिहड़ी नौजवानी है वह निराश हो के हताश हो के कि इत्थे रुजगार है नहीं नौकरियां है नहीं बाहरले मुल्कां नूं भज रही है ते जां चिट्टे नशे दे नाल मर रही है। तो मैं मान साहब एक दिन यूनिवर्सिटी गए पटियाला तो उन्होंने एक बड़ी सोहनी गल कही कि मैं हुण पंजाब दी जवानी नूं बाहर नहीं जाण दूंगा मैं पंजाब दी जवानी नूं पंजाब विच रखूँगा। तो मान साहब तुहानूं कहना चाहुंदे आ कि जे पंजाब दी जवानी नूं सांभ के रखना तो पंजाब च रखना है तो सब तो पहला गल ये करनी पैनी है कि पंजाब दे विच सरकारी नौकरी होवे चाहे प्राइवेट सैक्टर दीआं नौकरियां होण उहदे विच पंजाबियों नूं पहल होनी चाहिए आ। जिवें कि आपां गल करिए आपां हिमाचल की गल करते हैं तो हिमाचल प्रदेश दे विच पिछे असीं मुद्दा चक्या सीगा इह मसले नूं लै के तो उन्हां समयां दे विच सरदार प्रगट सिंह ने गल कही सी कि असीं डोमीसाइल वाली जिहड़ी नीति लैके आ रहे हैं। तो डोमीसाइल की है डोमीसाइल यह हुंदा कि कोई भी बाहरले राज दा बंदा आया उन्हें इत्थे आके रिहायश कर ली राशन कार्ड बना लिया आधार कार्ड बना लिया वह डोमीसाइल लई अपलाई कर दिंदा उन्हें मिल जाता बहुत सौखा है ये कोई बाली लंबी चौड़ी प्रक्रिया नहीं बाला औखा काम नहीं है बहुत सौखा बंदे नूं डोमीसाइल मिल जाता है तो अपलाई कर दिंदा तो उहदे नाल भी साढ़े पंजाबियों का हक मर जाता। असी कहने जिस तरह हिमाचल प्रदेश दे विच हिमाचल प्रदेश की है हिमाचल प्रदेश दे विच डोमीसाइल नूं नौकरी नहीं मिलती हिमाचल प्रदेश दे विच बोनाफाइड नूं नौकरी मिलती है। हुण बोनाफाइड की है बोनाफाइड है भी जिहड़ा पुश्त दर पुश्त पीढ़ी दर पीढ़ी कई सालों तो उहदे प्यो दादे पड़दादे उस राज दे विच उस सूबे च रह रहे है उही बंदा अपलाई कर सकदा ते उसे बंदे नूं ही नौकरी मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश दे विच इह कानून है
तो यही कानून जो 2004 के उत्तराखंड ने लैके आता बोनाफाइड वाला उत्थे भी जदों जाओगे उत्तराखंड के जिहड़े बंदे कोल बोनाफाइड सर्टिफिकेट है जिहड़ा बंदा उत्थों दा पीढ़ी दर पीढ़ी पुस्त दर पुस्त उत्थे रह रहा है उसे नूं नौकरी मिलनी है, दूजा बंदा उत्थे नौकरी नहीं लै सकता। सो असीं इह गल मान साहब नूं कहना चाहुंदे हां कि तुहाडे कोलों बड़ियां उम्मीदां ने लोकां नूं इह नौकरियां कढ़न तो पहलां इह नौकरियां असामियां भरन तो पहलां इह बोनाफाइड जारी किया जाए दूजे सूबियां दी तर्ज उहदे आधार दे उत्ते कि जिहड़ा बंदा बोनाफाइड सर्टिफिकेट लेके आऊगा जिहड़ा बंदा पंजाब दा पीढ़ी दर पीढ़ी प्यो दादे पड़दादियां तों पंजाब च रह रहा है उही बंदा नौकरी लिए अपलाई कर सकूगा। हुण पिछे जे चिट्ठी जारी हुई है सरकार दी एक नोटिफिकेशन होया है कि जी वख-वख जिहड़े कोई कारपोरेशन ने कोई बोर्ड ने उन्हां दे विच जिन्ने बंदे लगे हुए ने नौकरियां दे उत्ते जे उन्हां ने पंजाबी नहीं पढ़ी पंजाबी नहीं पास कीती तो उन्होंने 6 महीने तक समा दें भाई वह पंजाबी पास कर लैन, ये तो बिल्कुल गलत गल है। ये तो उही पहलां वालियां सरकारां वाली नीति है कि जिवें पहलां वालियां सरकारां करदियां रहियां भी भाई थोनों एक पेपर पास करना पैना है, वह भाषा विभाग एक पेपर कढ़दा हर साल बाद पंजाबी दा वह पेपर दे दिंदे आके तो पेपर लैके पास करके 35 नंबर लैके अपलाई करके तो नौकरी लग जाते हैं। सो इस तरह नहीं चाहिए। सो इस एक तो यह गल सीगा सी यही जिहड़ी गल इस सरकार अगे रखी है कि ये बड़ा अहम तो बड़ा गंभीर मसला हैगा कि ना हो कि तुसी आपदे वल्लों ये कह दो भाई अभी तो 25,000 30,000 50,000 बंदा रख लिया पर उस 25-30-50,000 बंदे दे विच अद्धों ज़्यादा जिहड़ियां नौकरियां ने वह बाहरले राज्यां वाले लै जाण। तुसी ये देखो साढ़े नाल धक्का किथे नहीं हो रहा, अज भी आपां देख लगे जे हिमाचल प्रदेश की गल कर लगे हिमाचल प्रदेश के जिहड़े 1950-60 तो लैके बैठे है वह हाले भी उत्थे जमीन नहीं खरीद सकते, जिहड़े उदों अणवंडे पंजाब 66 तो बाद पंजाबी सूबा बनता है उदों पहलां दे रह रहे हिमाचल च बंदे चाहे वह पंजाब दे होण जां हरियाणे दे होण उहनां नूं भी हाले हिमाचल दे विच जमीन खरीदण दा अधिकार नहीं हैगा। दूजे पासे आपां आ जाओ कि पंजाब दे विच की हो रहा, पंजाब दे विच इह हो रहा है कि जिथों का कोई मर्जी चलिया होया बंदा पंजाब दे विच जिहड़ी मर्जी चीज़ खरीद ले आके जिहड़ी मर्जी सरकारी नौकरी जिहड़ी मर्जी प्राइवेट नौकरी ते आके लग जांदा। पिछले 7-8 सालां दे विच घट्टो घट 70,000 बंदा जिहड़ा सरकारी नौकरियां लै गया कल्ले हिमाचल दा होणा है वह भी पंजाब च आके, तो असी हिमाचल जाके मैनूं लगता भी एक जे सिम भी खरीदना हो मोबाइल वाला सिम कार्ड वह भी नहीं खरीद सकते, जमीना ते नौकरियां तो बहुत दूर की गल है। आ हुण परसों चौथे की गल है अपने साबका ADC रहे ने इकबाल सिंह संधु उन्होंने खुलासा किया कि खेड विभाग के जिहड़ियां क्लास 4 दियां नौकरियां सीगियां वह सारियां हिमाचलियां नूं दे दित्तियां गईयां। उन्होंने ये चिट्ठी भी लिखी है शिकायत भी की है पंजाब के मुख्यमंत्री नूं पंजाब के खेड मंत्री नूं पंजाब के डायरेक्टर नूं सकत्तर नूं उन्हें लिखती शिकायत की है कि आ देखो लिया के सारे हिमाचल के बंदे इत्थे उन्होंने खेड विभाग के जिहड़े कोई कुक रखने सीगे कोई सफाई सेवक रखने से वो सारे लिया के हिमाचल के रख ले। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की आप गल कर लो वो सारा हिमाचल ना भरया पिया उतों पंजाबी बिल्कुल ही खत्म कर दते गए। आप प्राइवेट सैक्टर चाहते हाँ धौला एक ट्राइडेंट फैक्टरी है जो 2009 के सरकार ने जमीन अक्वायर की किसानों ने विरोध किया गोलियां चलियां किसान जख्मी होए कि असी अपनी जमीन नहीं छड़ांगे, उत्थे की हो रहा है उत्थे 90% बाहरले बैठे है। इस तरह तुसीं लै लो रामा रिफाइनरी है बठिंडे उत्थे 90% बाहरले बैठे है, जमीना साडियां रुक रही ने धरती साडी रुक रही है हवा साडी पलीत हो रही है पानी साडे पलीत हो रहे ने नौकरियां बाहरले लै रहे ने। केंद्रीय यूनिवर्सिटी है बठिंडे 165 टीचर ने जिदे सिर्फ तो सिर्फ 15 टीचर पंजाबी है पंजाब दे है। यही हाल IIT रोपड़ दा उत्थे सारा पंजाबी मतलब है ही कोई नहीं सारे बाहरले आके बैठ गए, जदों के बठिंडे केंद्रीय यूनिवर्सिटी 500 एकड़ पैली पंजाब दी दित्ती गई है ना उत्थे गवर्नर बॉडी दे विच साडा कोई मैंबर है
वाइस चांसलर मध्य प्रदेश तो लिया के लाता, टीचर सारे बाहरले ने, क्यों नहीं यह हुंदा भी भाई जिहड़ी कोई यूनिवर्सिटी खुलती है केंद्र की, कोई भी केंद्र की संस्था हैगी है उहदे विच भाई इन्नियां सीटां 80% या 85% सीटां राखवीं पंजाबियों दीआं होणगीआं, पहल पंजाबियों नूं होऊगी, मैंबर पंजाब तो ले जाणगे, साडा सारा कुछ ही तबाह करी जांदे आ। तां इहदे लई आपां जिहड़ी अज्ज गल्लबात रखी है ते असीं चाहुंदे आ कि इन्हां गल्लां प्रति लोकां नूं भी सचेत होना चाहीदा भी कित्थे साडे हक्कां ते डाके बज रहे आ, किथे सानू खत्म किया जा रहा। तुसी देखो प्राइवेट जिहड़े सैक्टर की आप गल करते हैं, जिहड़ियां फैक्टरियां कारखाने की गल आप करते हैं, हजारां फैक्टरी लुधियाने दे विच है, जिहड़ा जहरीला पानी साढ़े सतलुज दरिया च पा के उहनू गंदा कर रहे हैं, उही फैक्टरियां साढ़े धरती हेठला पानी भी गंदा कर रही ने। 800 मुंडा आ शंभू दे उत्ते, जमा पंजाब दे विच इक फैक्टरी है शंभू बार्डर दे उत्ते, 800 मुंडा उस फैक्टरी ने बिना कोई नोटिस दिते कढ़ता, अज 15 दिन हो गए उन्हां मुंडिआं नूं सड़क ते बैठिआं नूं। तां मैं आम आदमी पार्टी नूं यही कहना चाहुंदा कि भाई जदों कदे कोई पहला धरना लगदा सी, कोई हक्कां दे डाका बजदा सी, कोई नौजवान निकल के सड़कां ते आउंदे सी, तुहाडे जिन्ने भी कोई चुने हुए नुमाइंदे कोई MLA जां तुहाडे जिहड़े नाल तुरे हुए बंदे सीगे उह जाके धरनिआं च बहि जांदे सी, तख्ती फड़ के भी असीं तुहाडे नाल हैं। ते अज मान साहब 15 दिन हो गए उन्हां बंदिआं नूं, 800 बंदे नूं फैक्टरी चों कढे हुए नूं सड़कों पर बैठे है, तो हाड़े चुने हुए उस हल्के लोकल MLA ने जाके उन्होंने बात भी नहीं पूछी, हक के बच्चे हाला नारा भी नहीं मारिया भी भाई कोई गल नहीं तुहानू दसो की तकलीफ है, अभी थोड़ा मसला हल करके दिने। ये धक्के साडे नाल जिहड़े बाहरले सूबे आके इत्थे फैक्ट्रियां कारखाने ला लेंदे है, आदि मर्जी जो जी करदा कढ के मार मार दिया, जो जी करदा तनखाह घटा देंदे आ कट लेंदे आ, ये धक्के हो रहे आ। इहनू सरकार नूं इस मसले पर भी ध्यान देण दी लोड़ आ। ते दूजा जिहड़ा अहम मसला हैगा वह यह है कि अज तो 7-8 महीने पहला असीं एक मुद्दा चक्किया सीगा, वह मुद्दा सी कि जिहड़े CM सिक्योरिटी दे विच बंदे भर्ती किए गए पहला बादल सरकार वेले 15-16 दे विच, फिर 21 दे विच कैप्टन जांदा जांदा बंदे रख गया सी, 300 दे करीब बंदे ने जी, 4 DSP है, 44 इंस्पैक्टर है, सब इंस्पैक्टर है, SI हॉलदार सिपाही रैंक तक। यह असी उदो मुद्दा चक्या सी कि ये बंदे बिल्कुल जिहड़े पंजाब सर्विस रूल है उहदियां धज्जियां उड़ा के, जिहड़ा पंजाब पुलिस एक्ट है उहदियां धज्जियां उड़ा के, धक्के दे नाल गैर कानूनी नहीं ये गैर अखलाकी भी है कि किवें पहला सुखबीर बादल ने कैबिनेट तो पास करा के वह बंदे रखे चोर मोरियों, चोर मोरी राही वह बंदे किमें रखे, फिर पंजाब पुलिस मर्ज किए, सीनियोरिटी भी मर गई उन्हें पंजाब पुलिस वाले की, उन्होंने हक से भी डाका बज गया, सीधी भर्ती हुई है 44 इंस्पैक्टर की, जदों के पंजाब पुलिस के सीधी भर्ती बंद है इंस्पैक्टर की। यह जिहड़ा उन्होंने आउंदिआं नूं नाल दी नाल पूरियां तनखाहां, आउंदिआं नूं सरकारी रहायशां, उन्होंने गाहां तुसीं देखो एक मैं उदों ही बोलिया सी कि मनीनाथ नाम का एक सिपाही भर्ती होया बिहार तो CM सिक्योरिटी लैके आए, उन्होंने हर साल एक रैंक लैंदा रहा ते 4 सालां दे विच सब इंस्पैक्टर बन गया। इहदी कोई जांच नहीं, कोई पड़ताल नहीं। DSP RK यादव है उहदे घर वाली मोहाली 6 फेस दे विच सरकारी टीचर लवा ली अगले ने लिया के, उन्होंने अपने परिवारों भी लिया के इत्थे सैट कर लिया, किसी ने घर वाली नूं, किसी ने भैण नूं, किसी ने कोई होर रिश्तेदार नूं। अच्छा अज हुण इह जिहड़ा मसला हैगा उहदा हुण जिहड़ा IG है AK पांडे ते 2 दे DSP है जिहड़े विनोद कमावत ते सुरिंदरा, जिहड़े हुण भी सारी उस CM सिक्योरिटी नूं संभाल रहे आ, सारी गेम उही घुमाई जांदे आ। उदों मैं मसला लैके पंजाब दे मुख्यमंत्री चन्नी साहब नूं मिलिया, सिद्धू साहब नूं मिलिया, रंधावा साहब नूं मिलिया, प्रगट सिंह नूं मिलिया, मेरे कोल बैठे चन्नी साहब ने DG साहब हुंदे सीगे सोता साहब फोन ला लिया, कहिंदे जी आह 2 दिनों के बच्चे रिपोर्ट दियो, तो मैनू ही भरोसा दिता चन्नी साहब ने कि भाई 2 दिनों के बच्चे बंदे असीं कढ़ांगे, ये गैर कानूनी है। वह 2 दिन नहीं मुड़ के आए, पता नहीं कोई चढ़ावा चढ़ गया, पता नहीं सेंटर तो कोई बाह मरोल दी किसी ने, पता नहीं की होया, वह 2 दिन नहीं आए। वह अज मैं मान साहब का उन्होंने दिनों का मैं बयान तुहाडे अगे रखना चाहुंदा है कि उन्होंने दिनों का यह बयान आ जदों असीं
प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुद्दा चुकया सी। तीजे दिन मान साहब का बयान आया सीगा 9/10/21 नूं कि सरकारी ते प्राइवेट नौकरियां च पंजाब दे बेरोजगारां लई कोटा सुरक्षित किया जाए। भवंत मान ये मसले इन्हें इहदी हैडिंग आ अखबार का, तो इन्होंने कहा सीगा भी जिहड़ा पंजाब दे प्रधान भवंत मान ने दोष लाया कि पिछले 30 सालों तो पंजाब की कांग्रेस अकाली सरकार ने सूबे के नौजवानों लई सरकारी ते प्राइवेट खेत्र दीआं जिहड़ीआं नौकरियां ने सुरक्षित रखण लई कोई नीति नहीं बनाई, जिस करके पंजाब दे सरकारी ते प्राइवेट खेत्र दीआं नौकरियां होरां राज्यां वाले उम्मीदवार काबज हो रहे हैं। उन्होंने बिजली बोर्ड की उदाहरण दित्ती सी, उन्होंने होर मतलब कि विभागां दीआं उदाहरणां दित्तीआं सीगीआं। इह उन्हां दा बयान है, उन्हां दिनां दे विच ही उन्हां दा जिहड़े हुण स्पीकर साहब ने कुलतार सिंह संधवां जी उन्हां दा बयान भी आया, खजाना मंत्री हरपाल सिंह चीमा दा बयान भी आया। जदों असीं आ मुद्दा चक्या सी कि भाई इह जिहड़ा मसला है ये बिल्कुल गैर कानूनी भर्ती है, ये भर्ती रद्द करके बंदे कढ़े जाने चाहिए आ। तो इन्हां मसलों नूं लैके अज असीं पंजाब दे मुख्यमंत्री नूं कहना चाहुंदे आ कि मान साहब हुण ये जिहड़े ओह 300 बंदा ते इह तुहाडे आले दुआले घूम रहा है, इह तुहाडे नाल भी चल रहे ने, तुहाडे जिहड़े दो OSD आ उन्हां नाल भी चल रहे ने, तुहाडे माता जी नाल भी इंचार्ज इन्हां दा इक बंदा है, ते तुहाडे जिहड़े भैण जी ने उन्हां नाल भी इन्हां दे बंदे लगे हुए ने। जिहड़े बंदे आपां गल कर रहे हैं कि जिहड़ा 300 बंदा बाहरले सूबिआं दा भर्ती किया गया, हुण तां मान साहब तुहाडे आले दुआले इह इन्हां दी पूरी जुंडली आ, इन्हां ने पूरा मैनूं लगदा कि हुण तक तां इन्हां ने अपनीआं गल्लां बातां नाल तुहाडे ते गलबात भी पा लिया होणा, प्रभावित भी कर लिया होणा। सो इस करके असीं चाहुंदे हां, असीं तुहाडे तों उम्मीद करदे हां कि तुहानूं बहुत वड्डा फतवा पंजाब दे लोकां ने दित्ता, पंजाब दे लोकां नूं तुहाडे ते माण, पंजाब दे लोक तुहाडे तों बहुत उम्मीद रखदे आ कि तुसीं चंगा करोगे पंजाब लई। सो सब तो अहम गल्लां ये दो बड़ियां जरूरी ने कि पंजाब दे विच पंजाबियों लई कोटा सरकारी नौकरियां दे 100% प्राइवेट दे विच हरियाणे दी तर्ज दे उत्ते 85% जिहड़ा कोटा राखवां कीता जावे, ते बोनाफाइड जरूरी कीता जावे भी जिहड़ा पीढ़ी दर पीढ़ी हैगा पंजाब च रह रहा उही अपलाई कर सकूगा। दूजी गल, जिहड़ा 300 बंदा बाहरले सूबिआं दा भर्ती होया, जिहड़े अपने रिश्तेदारों लिया लिया इत्थे भर्ती कराई गए आ, बिल्कुल नजायज़ भर्ती है ये, उस भर्ती नूं रद्द करके इन्हां बंदिआं नूं चलदा कीता जावे, इन्हां बंदिआं नूं बाहर कढ़िया जावे, ते उत्थे पंजाब दे नौजवानां नूं उहदा हक दित्ता जावे, क्योंकि जिहड़िआं दी सिनियोरिटी मर गई जिहड़े हक तों वांझे ने। हुण AK पांडे वर्गे की कर रहे आ, कमावत विनोद कमावत वर्गे की कर रहे आ, सुरिंदरा वर्गे की कर रहे आ, जिन्हें पंजाबी मुंडे सीम सिक्योरिटी च है उन्होंने खूंजे लाया होया, तो जिहड़े बाहरले राज्यां दे आए हुए है उन्होंने वह अगे कर रहे हैं। सो दो गल्लां ऐसी जिहदे उत्ते असीं गल कीती। तीजी गल जिहड़ी बड़ी अहम होर भी अहम है कि जदों मैं सैशन चलिया तो सैशन दे विच बीबा बलजिंदर कौर ने एक बयान दिता कि असी पंजाबी मां बोली नूं बनदा मान सत्कार देण लई उहदा रुतबा बहाल रखण दे लई असी हर कदम चकांगे। सो मैं मान साहब तुहानूं कहना चाहुंदा, तुहाडी सरकार दे अगे गल्लां रखना चाहुंदा कि तुसी पंजाबी मां बोली नूं जिहड़ी गल करन वाली है, सब तो पहलां तां दुख होया मान साहब कि तुसी जिहड़ी मां बोली करके, चलो हुण तां मुख्यमंत्री तुसी बन गए हो, जिहड़ी मां बोली करके पूरी दुनिया दे विच भवंत सिंह मान बनिया, पूरी दुनिया का पूरे पंजाबियों का मान बनिया, वो सिर्फ मां बोली करके बनिया। पर दुख होया कि तुहाडे जिहड़े रिश्वतखोरी के खिलाफ लगे हुए बोर्ड ने, जदों मैं लुधियाणे गया वो हिंदी च लगे मिले, जदों मैं फिरोजपुर गया वह भी हिंदी च लगे मिले। सो ये जिहड़ी गल है फिर बड़ी दुख दी है मन नूं कि जिहड़ा बंदा पंजाबी का मदई होवे ते पंजाबी मां बोली दे सिर दे उत्ते उहने बड़ियां बुलंदियां नूं छूहिया होवे, वह बंदा ही आके अपनी मां बोली नाल इस तरह वो बोर्ड हिंदी च लगन, वह भी पंजाब के जिले लुधियाणा के फिरोजपुर के, एडू बड़ी दुख की गल नहीं हो सकती। सो मैं तुहाडे जिहड़ी गल अगे कहना चाहुंदा कि जिहड़ी गल पंजाबी मां बोली वाली है, पंजाबी मां बोली की जे तुसीं गल करनी चाहुंदे आ, पहली गल तो यह करो कि पंजाबी मां बोली का जिहड़ा काम कार आ वह सारे दफ्तरां दे विच जिन्ना चिट्ठी पत्र का काम हुंदा, जिन्ना होर कोई कामकार हुंदा सारा पंजाबी च होना चाहिए। सारे बोर्ड चाहे वह
दफ्तर के बोर्ड है, वह सड़कों के बोर्ड है, वह दुकाना के बोर्ड है। जिमें कि आप महाराष्ट्र देखते हैं कि उन्होंने दुकाना के बोर्डों के उपर सब तो उपर मराठी लिखी हुई है। ये उतों की सरकार का हुक्म है महाराष्ट्र का कि थले अंग्रेजी उर्दू अरबी हिंदी जो मर्जी लिखो पर उपर मराठी लिखनी पैनी है। यही गल पंजाब होनी चाहिए है कि हर बोर्ड के उपर सब तो पहला पंजाबी होनी चाहिए है। एक दा काम यह करो। दूजा काम असं कहना चाहते हैं कि दूजा काम जरा करने वाला है कि पंजाब दीआं अदालतां दी गल आपां करदे आं कि पंजाब दीआं अदालतां दे विच जिहड़ा काम है वह पंजाबी मां बोली च होना चाहिए क्योंकि यह जो पहला मसला उठा सी तां 2009 दे विच हाई कोर्ट ने एक पत्र लिखिया पंजाब सरकार नूं। वह पत्र नंबर मैं तुहानूं दसण लगा, मेरे कोल पत्र नंबर भी हैगा कि वह पत्र नंबर किन्ना सीगा। वह पत्र नंबर सी जी 29827 नंबर सी, जिहड़ा पत्र नंबर चिट्ठी नंबर लग्या। यह 11/9/2009 नूं हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार नूं लिखा कि सानूं 2000 बंदा तुसीं मुहैया कराओ जिहड़ा पंजाबी अनुवाद कर सकदा होवे, एक स्टैनो होण ते एक जिहड़े जजमेंट राइटर हुंदे जिहड़े फैसला लिखदे ने, यह 2000 बंदा सानूं तुसीं मुहैया करा दिओ ते असीं तुहाडियां हेठलियां अदालतां दा सारा कामकार है जिहड़ा वो पंजाबी च कर देंगे। 2009 तो लैके 2012 तक हाई कोर्ट पंजाब सरकार नूं लिखती भी रही। हाई कोर्ट का जिहड़ा अपना रजिस्ट्रार सीगा उन्हें आके पंजाब दे जिहड़े गृहमंत्री दे नाल मुलाकात भी की, उदों भी ये गल रखी कि असी लिख भी चुके हैं, तुहानूं मिलन भी आए, मीटिंगां भी कई होईयां कि तुसीं सानूं 2000 बंदा दे दिओ, असी सारियां अदालतां दा काम पंजाबी च करांगे। उहदे नाल की होना है, एक तां रुजगार मिलना बंदिआं नूं, पंजाबी बंदिआं नूं रुजगार मिलना है। दूजा मां बोली का जिहड़ा मान बहाल होना, सत्कार बहाल होना है। तीजा जिहड़ा साडे पंजाबी लोकां नूं जिहड़ा इनसाफ है, जिहड़े फैसले लिखे जांदे ने, बहसां हुंदियां ने, उह पंजाबी च होण लगणगे। तां साडे आम एक बेचारा महत्तर कोई पिंड वाला खड़ा हुंदा है जिहनूं इह पता ही नहीं हुंदा कि यार अंग्रेजी बहस होई जांदी है, इह की करी जांदे है, जिहनूं कोई फैसला ही नहीं पढ़ना आउंदा, जिहड़ा माड़ा मोटा 10-12 पढ़िया हुंदा है, वह वकीलों को जाता, वकील पहला कहता लै भाई पहला 2000 रुपया लूँगा पढ़ के सुना दिना, वो आप ही पढ़ सकता हो। गल हाई कोर्ट वालों 2009 दे विच कहा गया तो लगातार 12 तक हाई कोर्ट कहती रही पर किसी सरकार ने 2000 बंदे नहीं दिता। मान साहब तुहाडे कोल अपील करते हैं कि यह जो 2000 बंदा तुसीं हाई कोर्ट नूं दिओ ते नाले साडे पंजाबियों नूं रुजगार मिल जूगा, नाले साडियां जिहड़ियां कचहरियां दा काम अदालतां दा काम है वह पंजाबी च होण लग जूगा। ये मसला बड़ा अहम है, ये ते गौर कर लियो। अगली गल जिहड़ी आपां पंजाबी मां बोली नाल थां थां ते धक्का वितकरा हो रहा है स्कूलों के, CBSE दे बोर्ड दे स्कूल होना, ICIE दे स्कूल होना, ISIE दे स्कूल होना, केंद्रीय विद्यालय होण जिहड़े KV स्कूल आपां कह दिंदे आ उन्हां दे विच तां पंजाबी खत्म ही करती। जिहड़े केंद्रीय विद्यालय है केंद्र दे स्कूल ने जिहनूं आपां आर्मी स्कूल भी कह दिंदे आ पंजाब च हैगे आ उत्थे पंजाबी बिल्कुल खत्म करके संस्कृत पढ़ाउण लग गए। वैसे भी ये देखा जाए तो एक संविधान के भी उल्ट है, जिहड़ी केंद्र की सिक्ख्या नीति है वो भी उल्ट है। केंद्र की सिक्ख्या नीति दे विच साफ लिखा गया भी किसी बच्चे कोलों तुसीं उहदी मां बोली का हक नहीं खो सकते, पर पंजाब च खोया जा रहा है। केंद्रीय विद्यालयों में पंजाबियों के जवाक पढ़ते हैं, पंजाबी पढ़ाई नहीं जाती, संस्कृत पढ़ाई जाती है। ये सख्ती नाल लागू करन दी गल है। जिहड़े स्कूल इस तरह दियां धक्के करते मनमानियां करते हैं, स्कूल की कहते हैं गमराह करते पिंड वालों कि देखो जी जे तुहाडा जवाक तुसीं अंग्रेजी पढ़ाउणा है तेनूं हिंदी बोलनी पैनी है, भी हिंदी ते अंग्रेजी का की मेल है भाई। असी किसी जबाना के खिलाफ नहीं है, किसी बोली के खिलाफ नहीं, सारियां बोलियां सीखनियां चाहीदियां, पढ़निया चाहीदियां ने, बंदे नूं आउणियां चाहीदियां ने ता कि बंदा जिथे भी जाए उन्हें कोई दिक्कत ना आए। पर जिथे गल मां बोली पंजाबी दी आ जाती है उत्थे स्कूल ही गमराह करी जाते हैं, जदों के दुनिया भर के बच्चे खोजा हो गई कि जिहड़ा बच्चा अपनी मां बोली च महारत रखता, जिहड़ा बच्चा अपनी मां बोली च पूरी पकड़ रखता वह बच्चा दूजिया बोलियां बेहतर सीखता। ये तेरे जिहड़े फैसले करन वाले हैगे मान साहब तुहाडे अगे असी यही गुजारिश, असी यही बेनती करते हैं कि असल मुद्दे जिहड़े हैगे आ पंजाब दे, ठीक है तुसीं रिश्वतखोरी का बंद करन दा मुद्दा चक्किया बहुत वधिया गल आ, तुसीं सेहत सहूलतां नूं सिक्ख्या सहूलतां नूं मतलब के
ਵਧੀਆ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਇਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਖਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪਿਆ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਗਰੂਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਜਾਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਾਂ 'ਚ ਧੜਕਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਪਰ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਾਸ਼ਨ ਘਰੋ ਘਰੀ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਜੀ ਬੱਲੇ ਜੀ ਬੱਲੇ 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 ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਕਲਰਕ ਫੜ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਤਾ ਮੁਤਲ ਕਰਤਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਯਾਰ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰਤੀ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਲਈ ਚੁਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਪਰ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਓ ਅਸਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਭਾਖੜਾ BBM ਸਾਡਾ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹ 'ਚ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜਾਣੇ ਹਰ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਚਰਖਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਜਾਈਏ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਹੋ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਤੁਸੀਂ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਮਤਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਮਤਾ ਤਾਂ ਇਦੂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ 5-6 ਵਾਰੀ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਮਤਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ BSF ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਕਿਆ ਉਹ 'ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਮਤਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀ ਮਤਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਾਜਪਾਲ ਰੱਦੀ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਮਾਰੂ ਚਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਵੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਨਗੇ ਇਹਦਾ ਸਾਡਾ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ 4 ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਫੜ ਕੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਡਾ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਾਂ ਜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਖੱਟੜ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ 28 ਪਿੰਡ ਉੱਜੜੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਜੜੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਉੱਜੜਿਆ ਜੋ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਿਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਝੱਲਿਆ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅੱਡ ਬਣਾਊਗਾ ਉਹਨੂੰ 300 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਪਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਏਰੀਆ ਦੱਬੀ ਬੈਠਾ ਆ ਉਨੇ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਆ ਕਾਂਗੜੇ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸ਼ਿਮਲੇ ਦਾ ਕੁੱਲੂ ਤੱਕ ਬਾਜ ਸਾਡਾ ਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਇਆ ਗਿਆ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੇਸ ਸਰਦੇ ਰਹੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀਗੇ 2011 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਲਏ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੀ ਨਾਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਵਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜਾਣੇ ਦਾਵਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪੇ ਹੀ ਛੱਡਦੇ ਤੁਰੇ ਗਏ PGI ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਧਰੋ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 92 MLA ਜਿਤਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੇਜਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਹੁਮਤ ਹੈ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਮਤਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਟਵੀਟਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਅਖਬਾਰੀ ਬਿਆਨ ਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਤਾਂ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਕੋਈ ਸਹਿਕਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਛੱਡੋ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੋਣਗੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਥੋਂ ਜੰਮੂ ਨਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜੰਮੂ ਨਾਲ ਲਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ UT ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ
तो इहदा करके जे असीं अज भी ना बोले, मान साहब मैं तुहानूं कहना चाहुंदा असीं अज भी ना बोले क्योंकि तुहानूं लोकां ने चुणिया, तुहानूं लोकां ने अगे लाया। जे असीं अज भी ना बोले किते इह ना होवे निराश होई पंजाब दी जवानी, गुस्से दे विच आई हुई पंजाब दी जवानी नूं गलत राह अख्तियार कर ले ते उहदा खमियाजा पंजाब दी जवानी नूं भुगतना पै जे ते उहदे जिम्मेवार जिहड़े तुसीं अगे लगे हुए लोक आ तुसीं होवोगे। हुण तुहाडा फर्ज बणदा 92 अपने 91 MLA नाल लो, नाल सारे जिहड़े राज सभा दे 5 मैंबर चुने आ उह कोई दिखे ही नहीं, कोई बोले नहीं, सारे मूँह च घुंगणियां पाई बैठे आ। एक तां इधर उस रात जिहड़ी रात दी आपां गल करदे आ, उह IPL दी कमेंटरी कर रहा सी हरभजन सिंह दा बैठा, तो दूजे पासे पंजाब दे हक होए जा रहे सी। सो इस करके उन्हां पंजां नूं नाल लो, 91 अपने दूजां नूं नाल लो, नाल अपील करो जिहड़े कांग्रसी अकाली आ। देखो BJP ने तां आउणा नहीं, तां पहले ही उल्ट चली जांदे आ, खांदे पंजाब दा पर पंजाब दी बर्बादी चाहुंदे आ। है भी पंजाबी ने पर पंजाब की सुख उन्होंने ना कदे मंगी है तो ना कदे मंगनी है, उन्होंने कोई उम्मीद ना करो। बाकी सारे नाल लैके मोदी के बार जाके बैठो तो गल बननी है, घट्टो घट्ट उत्थे बैठोगे पूरे भारत के तुहाडी गल जानी है, अंतरराष्ट्रीय मीडिया तुहाडी गल जानी है, पूरी दुनिया नूं पता लगू, पूरे भारत नूं पता लगू कि मोदी की जिहड़ी हुकूमत है किवें पंजाब नूं अलग थलग कर रही है, किवें पंजाब दे हक दब रही है। तुसीं इत्थों बैठे सैशन बुलाया उस कोई मता पाता, कोई ट्वीट करता, कोई अखबार प्रेस चा के बोलता, कोई फर्क नहीं किसी पैना। सो इस करके तुहानूं यह अपील है उत्थे जाके बैठो, तुहाडे नाल वादा करदे आ कि पूरा पंजाब तुहाडे नाल हिक डाह के खड़ू। सो गल सोडे कोले आ, गल सोडे पल्ले आ, तुसीं की करना चाहुंदे आ इह फैसला तुसीं करना है। जे फिर बाहां खड़ियां करतीआं फिर पंजाब दे लोकां नूं इत्थों अपील करदे आ कि मोर्चा लावांगे, इन्ना सौखा नहीं हैगा कोई दिल्ली वाले साडे पंजाब दे हक्कां तों दब लूगी आके साढ़े हक्कों के डाके मार देंगे जां सानू ये आई ये खत्म कर देंगे, तो इन्हां दा बहुत बड़ा भुलेखा है। फिर पंजाब के लोग कड़ा के लड़नगे, फिर पंजाबीओ तैयार रहो, फिर मोर्चा लावांगे, आर पार की लड़ाई लड़ांगे। इन्ना सौखा नहीं दिल्ली नूं पंजाब दे हक दब्बण दिंदे, पर पहली अपील पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान नूं है कि भरावा तू की कर सकदा, तेरे कोल पावर आ, ताकत है, तू अपने तौर पर कर, सुझात नूं असीं देते आ। सो इस करके नहीं फिर पंजाबीओ तैयार रहो, लड़े बिना मसलों के हल नहीं होने। आपां कल्ले बयानां तक सीमित ना रह जाइए, ठीक है यार आपां बयान दे, अज मैं इत्थे बोल के चल गया, कल नूं कोई होर बोल के चल गया, आपां सोशल मीडिया ते बोलता, आपां प्रेस च आ के बोलता, बोलण नाल कोई फर्क नहीं पैणा। ये तो हक तो फिर उवें ही लैने पैने, लड़की लैने पैने आ, उहदे लई तैयार रहो। पर थोड़ा जिहा ना मैं यही कहना चाहुंदा कि असल हक की ने, असल मुद्दे किहड़े ने, असल मसले किहड़े ने, वह भी गौर रख्या करो, उन्हां दे भी ध्यान दिया करो। नवीं बनी सरकार है तो सानू, मैं अपील पंजाब दे लोकां नूं भी करदा कि मौका तो देना चाहिए, समां तां देना चाहिए, लोगों ने मौका दिता समा भी देना चाहिए, क्योंकि नवें नवें बनने वाला समझ ही है नहीं मुद्दों की। मैं तो यह देख रहा कि बेचारे जिहड़े उत्थे 92 गए आ, 92 दे 70 तो वह होने जिन्हों मुद्दों की समझ ही नहीं होनी कि असल मुद्दे किहड़े, बोलना की है, मंग की है, हक की आ। तो मैं लगता कि कुछ समा सरकार नूं सानू देना चाहिए, पर असी अपने सुझाव, अपन गल्लां, अपन मंगां, अपने हकों की गल अज रखती आ। हुण ये सरकार ने, ये भगवंत सिंह मान ने तय करना है कि वह किन्ना छेती किन्ना जल्दी इन्हां मुद्दों के उत्ते आ के पंजाब नूं राह दिवाउंदे आ। बिल्कुल जे मिल लेंगे, मिलने को कोई अपना उन्होंने नहीं है, कोई वफद जाके साडा ये सारिया गल्लां जिहड़ियां हैगियां लिखती तौर पर भी जाके देवांगे। नहीं देखो मुहिम तो साडी जारी आ, परचे भी कराए, उदो ही जेलां भी कट के आए, बोर्डां दे रंग मारे आ, वह रंग भी असीं मारांगे। एक बारी सरकार नूं असीं मौका देना चाहुंदे आ, पर असीं इह अपील करना चाहुंदे आ कि मान साहब दिल्ली दे दाबे चों निकल के पंजाब लई सोचो। वैसे तुसीं पंजाब दर्दी हो, असीं इस गल तों देखो एवें नवें बने आ, हले अज 20 दिन नहीं होए होने मुख्यमंत्री नूं बणने नूं, अज ही आपां बंदे नूं भंडण लग जाईए, वह भी ठीक नहीं है। असीं तुहाडी मनसा ते तुहाडे ते शक नहीं करदे, तां ठीक है अज तुहानूं लोकां ने तुहाडे ते भरोसा जता के तुहानूं अगे लैके आंदा, पर दिल्ली दा दाबा चकना पैणा। इह मैं पहलां भी गल बोली सी कि जिहड़े 5 राज सभा मैंबर चुण के गए है, उन्हां 5 दे विच्चों इक भी पंजाब तैशी पंजाब दर्दी नहीं गया, ये क्यों नहीं कोई बोलिया? ये तां बोलना पैणा। हरियाणा की सरकार ने भी कल स्पेशल सेशन बुलाया चंडीगढ़ के मामले
देखो हरियाणा असी यह नहीं कहते पंजाब का छोटा भाई है हरियाणा, पर जिहड़ी गल हक दी आ असी कहना जो हक हरियाणे का हरियाणा ले ले, जो हक पंजाब का पंजाब नूं मिलना चाहिए। आपां इह देखो ना खट्टर दा एक बयान आ कि जिहड़े हिंदी बोलदे पिंड ने वो हरियाणे नूं दिओ। तुसीं हुण पंजाब च देख लो भी किन्ने क हिंदी बोलदे पिंड है, तो मैं तुहानूं हरियाणे च दिखा दिंदा जिहड़ी सारियां नाल नाल लगदी वैल्ट है वह ला सरसे तो इत्थों तक आप आ जाने हैं, बठिंडे तो लैके डबवाली तो लैके ये सारे पंजाबी बोलते पिंड ने। अभी तो चाहते हैं कि साढ़े पंजाबी बोलते इलाके पहले खोले सानू मिलने चाहिए है, कोई राजस्थान चले गए, कुछ हिमाचल चले गए, कुछ हरियाणे चले गए, तो जान बुझ के जाने मतलब कि एक देखो बीजेपी की सरकार है उन्होंने जान बुझ के एक प्रापेगंडा बिढ़ लिया कि घेरो सरकार गल उतहान उठन दौ। आप हुण तुसीं देखो हिमाचल भी कहता भी सानू पंजाब रॉयल्टी देवे पानी की, रहे पेरे ला दे हिसाब के नाल उन्हां पानियां दे उत्ते साडा हक बनता। जे आपां ऊं समझना होवे हड़ आउंदे है, हड़ां दे विच पानी वध है कि वह पानियां नूं हिमाचल अपने रोक सकता है, जो रोक लू उहदा नुकसान कौन झलदा पंजाब, तो फिर हक कीदा होया पंजाब का। ये तो रहे पेरे ला कानून अंतरराष्ट्रीय कानून भी यही गल कहिंदा कि जिहड़े खिते दे विच दरिया वगदे ने हड़ आउंदे ने नुकसान वह खिता झलदा, वह धरती झलदी है, हक पहला उहदा हुंदा। हुण साडा मना मूही पानी दिल्ली भी लिजा रही है तो राजस्थान भी मुफ्त लिजा रहा, क्यों क्यों नहीं असी गल करते, क्यों नहीं अपने वो हक की गल करते। ना असी राजस्थान तों पत्थर मुफ्त लिया सकते हैं, ना ही दिल्ली दीआं फैक्टरियां च बणिया होया कोई समान मुफ्त लै सकते हैं, साडा पानी मुफ्त लुट्टिया जा रहा। और थोनू मैं गल होर दस दिना बई जी, चुप माड़ा जिहा बई जी पिछे दो मिनट, जिन्हें कोई सवाल करना बई साडे नाल कर लो, पंज क मिनट दे दिओ। दुनिया के विच आने वाले समय के विच जेडे लोकां कोले पानी ते उपजाऊ धरती होगी वह लोग जिउंदे रहणगे, बाकी सारा कुछ तबाह होना। यह गल याद रखियो, असी पंजाब दा की कर रहे हैं, धरती हेठला पानी असी डूंगा होई जांदा है, सिर्फ ते सिर्फ साढ़े कोल 15 तो 17 साल का पानी बचा धरती हेठला पत्तना दे विच, ते दरियावां दा पानी साडा की कर लिया, जां तां हिमाचल तो मोड़ के दिल्ली नूं लै गए जां राजस्थान नूं देता, जां दरियावां दा पानी ते जहरीला पानी पा पा के पलीत करी जांदे आ, उह ना पीण जोगा ना फसलां नूं लाउण जोगा, असीं कित्थे बचे हैं। फिर सानूं तां चार सपेरों घेरा पाया जा रहा पंजाब नूं, तां एक पासों नहीं एक पासों घेर रहे आ। इह देखो मोदी उदों दा खिझिया होया जदों दा किसानी अंदोलन जित के आए, उह रड़कदियां ने गल्लां, इक ते मूंग दल के आए सी पंजाबी पंजाब हरियाणे दे ते यूपी दे राजस्थान दे लोग इकट्ठे होके, जिहड़े मोदी बारे कहा गया कि मोदी पिछे नहीं हटदा, वह मोदी हुण उस दिन तो लग्या भी किसी भी तरीके नाल इह घेरने आ। हुण चार सपेरों साडी घेराबंदी हो रही है, सो इह घेराबंदी तोड़न लई मान साहब नूं अपील की है कि तोड़ के निकल के बाहर आओ। देखो मैं पहले ही यह गल बोली आ कि तुसीं इह देखो, मैं तुहानूं दसण लग्या 23 सितंबर 2016 नूं चंडीगढ़ का सकत्र के जिंदल ने एक अपना बयान दिता। वो बयान पता की लिखता, कहिंदा असीं पंजाब सरकार नूं 3 बारी लिख चुके हैं कि सानू पंजाब काडर दे IAS ते PCS भेजो, इन्होंने 3 साल कहिंदा साडी गल ही नहीं सुनी। फिर उन्होंने 2016-17 दे विच लोक संपर्क महकमे दीआं सीटां च पंजाब सरकार तों अफसरां की मंग की, पर पंजाब सरकार ने अफसरां नूं थुड़दा हवाला दे के जवाब ही देता, जाने असीं तां BBM च नहीं बंदे भेजे, हरियाणा सारिया अपन सीटा भरता रहा, पंजाब खाली छड़ता रहा। मैं कहना जान बुझ के इन्होंने लोगों ने असी देखो आप हर बारी विरोधी दोष दिने, दुश्मन का काम उन्हें सानू मारना, वो फितरता है, वो दुश्मन ही कर रहा जो सानू मारिया ना, पर साडे अपने इकदारा ने की किया, बादलों ने की किया, कांग्रसियों ने की किया, लगातार 20-25 साल का राज बादल कर गया जां कांग्रेस कर गई, उन्होंने लगातार पंजाब के हक, चंडीगढ़ के हक, नौकरियां के हक, BBM की गल कर लो, सारे पंजाबी बोलते इलाकों की गल कर लो, चंडीगढ़ की गल कर लो, सारे हक एक एक करके। हुण तुसीं देखो 11 DSP पंजाब कोटे च जांदे आ चंडीगढ़, पर 2013 तो बाद एक भी DSP पंजाब ने भेजे ही नहीं, फिर तो जिम्मेवार कौन आ। हुण जिहड़े बंदे अज बहुत वड्डे वड्डे बयान दे रहे हैं
बादल दल के बंदे श्रोमणी अकाली दल के बंदे कांग्रेस के बंदे कि असी पंजाब के हिक अपने हितों हकों हिकड़ा के लड़ांगे असी जाना कुर्बान कर देंगे वो सोडी सरकार वेले आ करतूतों तुम करते रहे हैं यदा जवाब कौन देगा। तो ये जिम्मेवार तो कि मैं कहना बादल सरकार रही है ज कांग्रेस सरकार रही है इन लोगों करके अज पंजाब आ दिन देखने पे है। सेंटर का बंदा है किसी एजेंसी का बंदा है वह किमें आया किमें लग्या खूबी राम कौन आ खूबी राम कौन है खूबी राम तो आई जी पांडे के पी एस गिल के राइट लैफ्ट रहे है जिन्हें पंजाब झूठे इनकाउंटर होए फेक मुकाबले बना बना साडे नौजवानों मारिया ये बंदे नाल रहे ने उदों के पी एस गिल के उदू बाद लगातार सीएम सिक्योरिटी फिट होंगे ने आके खूबी राम किन्ना चिर सीएम सिक्योरिटी च रहा कोई पुछ पड़ताल हुई उस बादल दे नाल खूबी राम कै साल चलिया तो जिहड़ा बादल 97 च कहिंदा सी कि जिन्ने झूठे मुकाबले होए है उन्हां दी पड़ताल करावांगे ते बंदे कटहरे च खड़े करांगे तो उही बंदे सानू मारन वाले साडी जवानी नू आपदे नाल लिया के रख ले। तो अज भी असीं मान साहब नू कहिंदे आ इह एडा पावरफुल बंदा किवें है जी एके पांडे आ डीएसपी कमावत वर्गे सुरिंदरे वर्गे यादव वर्गे कौन बंदे ने जी जिहड़े अज भी पूरा गलबा पूरी सीएम सिक्योरिटी जिहनां नाल चल रहा नहीं भगवंत मान अनजाण आ भगवंत मान पता नहीं नवे आए यही तो गल है नहीं कि भगवंत मान अनजाण है ये मुद्दा जो अभी पहला भी चुकया से उदों भी यह गल भगवंत मान के बयान च आई सी कि यह पंजाब के नाल धक्का है पंजाबियों के हकों से डाका जिहड़े बाहरों बंदे लिया के रखे गए पर मैं कहना भी ठीक है तेरे को 20 दिन होए हले सरकार मुख्यमंत्री तू बनया तेनों समा तेरे को पर इन गलों पर गौर कर बिल्कुल तुम एक गल देखो पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड दे किताबां दे विच इतिहादियां दे विच सिख गुरुआं बारे बड़ी माड़ी शब्दावली वरती गई इतिहास नूं तोड़िया मरोड़िया गया। प्रगट सिंह उत्थे आ के गया कि असीं कार्रवाई करांगे उन्हां दिनां दे विच कुलतार सिंह संधवा आ के गया कि कार्रवाई होनी चाहीदी है अज 20 दिन उस सरकार नूं वी बणी नूं हो गए एक भी नुमाइंदा उत्थे जा के बलदेव सिंह सिरसे कोले पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड दे दफ्तर दे मूहरे नहीं गया कि भाई इह धक्का असीं हल करदे हां इह बंदिआं दे परचा दर्ज करां जिन्हां ने इह खिलवाड़ कीता। दूजे पासे जदों बरगाड़ी मोर्चा लग्या गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी हुई तो बेअदबी दे विच भगवंत मान वर्गे भी जाते रहे कुलतार संधवा वर्गे भी जाते रहे जिन्हें अज सरकार च मंत्री ने MLA ने मुख्यमंत्री ने सारे जाके बैठ के आते रहे कि यह बादल सरकार का धक्का है ये बादल सरकार ने बेअदबियां कराईया ने बैवल कलां जिहड़ा गोलीकांड वापर जिम्मेवार बादल सरकार है उदों भगवंत सिंह मान कहिंदे हुंदे सीगे कि अणपछाती पुलिस ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਅਣਪਛਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ 6 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੇ 6 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ MLA ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਸਿੱਟ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀਗਾ ਕਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉਹ ਹੁਣ MLA ਬਣ ਗਿਆ ਦਿਓ ਫਿਰ ਜਾਂਚ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਇੱਕ MLA ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾ ਦਿਓ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਫਸਰ ਪਾ ਦਿਓ ਕਰੋ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਕੱਲੀਆਂ ਆਪਾਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਗਮਰਾਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਪਛਾਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਤਮਾਮ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਸਮਾਂ ਦਿਓ ਹਲੇ 20 ਦਿਨ ਹੋਏ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਸਮਾਂ ਦਿਓ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗਾ ਕਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੱਕ 'ਚ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਜੇ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਕੁਛ ਫਿਰ ਘੇਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ।